Hello friends, welcome to Pharmatech. I am Avinash and in my today's video, I will be explaining you one of the important interconversion in the stereochemistry projection formulas. That is how to convert a given Sauer structure into a Fischer and a given Fischer structure into a Sauer. So, first of all, आपको ये पता होना चाहिए कि what does Sauer means and what does Fischer formula means. For that, I have already made a video. You can see the link in the description box and you can check the I button. So, जब हम किसी मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं from Fischer to a Sauer, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, these rules we have to follow. So, I am not going to read these rules. Directly, I will solve certain examples. So, coming to a very first example, as you see, यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल लिया है जिसमें हमने ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है दैट इज अ सोहर स्ट्रक्चर. सो ये सोहर स्ट्रक्चर का ये जो कार्बन होता है इसको हम कहते हैं इट्स अ फ्रंट कार्बन और इसको हम कहते हैं बैक साइड कार्बन. अभी हम क्या करने वाले हैं, जब भी हम किसी सोहर स्ट्रक्चर को फिशर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, सो फिशर स्ट्रक्चर ये एक इक्लिप्स प्रोजेक्शन होता है मॉलिक्यूल का. तो हमको ये सोहर जो कि स्टैगर्ड में दिया गया है उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ इक्लिप्स फॉर्म. सो फॉर कन्वर्जन इनटू एन इक्लिप्स फॉर्म वी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग बोथ दिस ग्रुप्स ऑन द लोअर साइड. जो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप है उनको हम प्रिफरेबली सोहर स्ट्रक्चर में लोअर साइड में लाने की कोशिश करेंगे. सो नोट इट डाउन, जब भी आपको किसी सोहर्स प्रोजेक्शन को फिशर में कन्वर्ट करना है सो फिशर के जो वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं उसको हम सोहर्स में डाउन साइड लाने की कोशिश करते हैं बाय रोटेशन. सो यहाँ पर हम कितने का रोटेशन करेंगे, आई वॉन्ट दिस सी एच थ्री विच इज अप ऑन द डाउन साइड, सो आई हैव टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट 180 डिग्री रोटेशन. सो जैसे मैं इसको 180 से रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, अदर ग्रुप्स विल ऑल्सो गेट रोटेटेड. And that rotation will give me certain scene which will look like ये CH3 यहाँ down facing में चला जाएगा, Br इस तरफ face करेगा और hydrogen का face यहाँ से इधर चला जाएगा. So it will become hydrogen, this will become Br and this will become CH3. So 180 rotation कीजिए on this front carbon, you will get a structure like this. अभी ये जो structure है that is the eclipse form of the given molecule. So, ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर को आप इजीली लिख सकते हो इन द फिशर फॉर्म. सिंपली आपको क्या करना है, यू मेक अ बैकबोन ऑफ द कार्बन. तो ये जो लोअर साइड के कार्बन है ये कार्बन और ये कार्बन ये आपका बैकबोन बनाएगा. सो आई शुड से कि ये मेरा अगर नंबर वन है, दिस इज माय नंबर टू, आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट, दिस इज माय नंबर थ्री और ये मेरा अगर नंबर फोर है. सो ये 1 2 3 4 को मुझे बैकबोन में लाना है इन दिस वे एज अ 1, दिस एज अ 2, दिस एज अ 3 एंड दिस एज अ 4. सो फिशर प्रोजेक्शन में आप ये बैकबोन कार्बन का बना लीजिए. देन जो राइट में ग्रुप है हमारे दैट इज ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन उनको राइट में रिस्पेक्टिव कार्बन के ऊपर लिख दीजिए और जो लेफ्ट में ग्रुप है दैट इज हाइड्रोजन और ब्रोमीन इनको आप क्या करोगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पुट कर दोगे. यहां पर आपको एक पॉइंट और नोट करना है, यहाँ ये स्ट्रक्चर में हमेशा ये आपका क्या रहेगा फ्रंट कार्बन और ये क्या रहेगा आपका बैक साइड कार्बन. सिमिलरली यहां पर भी ये क्या रहेगा आपका बैक साइड कार्बन, ये क्या रहेगा आपका फ्रंट साइड कार्बन. ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ट्रिक कंसिडर करके रखा है, इट डिपेंड हाउ द व्यूअर इज विजुअलाइजिंग द स्ट्रक्चर. ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम बैक साइड कार्बन एंड दिस विल बिकम अवर फ्रंट साइड कार्बन. अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया है देन डेफिनेटली आप रिमेनिंग कन्वर्जन बहुत इजीली कर पाओगे. अभी यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल दिया गया है अगेन यहाँ पर क्या है NH2ClCH3, ये फिनाइल हमने दिखाया है ओवर दिस कार्बन, ये कार्बन को हम क्या कंसिडर करेंगे, दिस इज अवर यू कैन से फ्रंट साइड कार्बन, इसको हम कहेंगे दिस इज अवर बैक साइड कार्बन. Now I have to produce a rotation of 180 because मुझे ये फिनाइल को नीचे लाना होगा. सो ये फिनाइल को मैं यहाँ पर अगर नीचे लाता हूँ तो ये मेरा
जो OH ग्रुप है वो कहाँ चला जाएगा, ओवर हियर, और ये जो ब्रोमीन है दैट विल कम ऑन दिस साइड एज अ बीआर. सो यू विल गेट अ मॉलिक्यूल लाइक दिस. सो ये सबसे पहले हमारे पास ये क्या था, वी हैड इट एज अ सॉहॉर्स स्ट्रक्चर. अब ये सॉहॉर्स कैसा था, इट वॉज इन अ स्टैगर्ड फॉर्म. हमने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, वी मेड इट एज अ इक्लिप्स स्ट्रक्चर. सो आपको क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट अ स्टैगर्ड स्ट्रक्चर इनटू एन इक्लिप्स स्ट्रक्चर. जैसे आप स्टैगर्ड को इक्लिप्स में कन्वर्ट कर दोगे, नेक्स्ट यू हैव टू जस्ट पुट इट ऑन अ वर्टिकल लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन. सो वर्टिकल लाइन पे कौन से ग्रुप आ जाएंगे, यू कैन से यहाँ पर हमारा CH3 ग्रुप आएगा. लोअर साइड में क्या है, देयर इज अ फिनाइल ग्रुप. राइट हैंड साइड में क्या है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन. और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, वी कैन से NH2 एंड HO. कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर अभी आपको मॉलिक्यूल दिया गया है इन अ फॉर्म एज अ फिशर, और हमको उसको क्या बनाना है, स्टैगर्ड. सो ये जो CHO है ये क्या रहेगा, डाउन फेसिंग. ये CH2OH हम कैसे दिखाएंगे, डाउन फेसिंग. तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने CHO को यहाँ पर डाउन फेसिंग किया है, CH2OH को भी मैंने डाउन किया है. द ग्रुप्स विच आर ऑन राइट हैंड साइड मैंने राइट में इंडिकेट किए है, द ग्रुप्स विच आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड उनको मैंने लेफ्ट में ही रखा है. सो ये हमारा कन्वर्जन हो गया ऑफ फिशर इनटू अ सॉहॉर्स, बोथ आर इन द इक्लिप्स, दे आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर. अभी क्या करना है, इक्लिप्स ये स्टेबल फॉर्म नहीं होता है, वो इजीली रोटेट हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द स्टैगर्ड. तो उसको स्टैगर्ड में कन्वर्ट करने के लिए यू कैन रोटेट एनी ऑफ दीज टू कार्बन, नॉट नेसेसरी आपको इसी को ड्रॉ करना है, इसी को रोटेट करना है. यहाँ पर सेकंड वे से भी ये स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हो. कंसीडर कि CHO को ऊपर कर दिया, H इस तरफ है, OH इस तरफ है और H यहाँ चला जाएगा. एंड अदर साइड आई कैन ड्रॉ लाइक एज यूजुअल जैसा वो प्रेजेंट है, दैट इज हाइड्रोजन Cl एंड CH2OH. सो ये भी एक स्टैगर्ड फॉर्म हो सकता है, इसको भी आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हो, बोथ आर इक्विवेलेंट. यहाँ पे हम CHO को ऊपर इंडिकेट करेंगे ओवर दिस, यहाँ CHO आ जाएगा, OH कहाँ चला जाएगा, कंप्लीटली ऑन दिस साइड, और H आ जाएगा ये दोनों भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ही है. यहाँ पर हमने किसका रोटेशन किया, वी हैव रोटेटेड द फ्रंट कार्बन टू गेट दिस स्ट्रक्चर, और हमने रोटेट किया बैक साइड कार्बन टू रोटेट दिस स्ट्रक्चर. अगर आपको कोरिलेशन देखना है वेदर दिस इज मैचिंग टू दिस और नॉट, सो क्या हो जाएगा, एज आई सेड यहाँ पे मुझे पहले CH2OH करने दीजिए कि दोनों ग्रुप डाउन फेसिंग होने चाहिए. तो इसका बैक कन्वर्जन इसमें करने के लिए इन दिस स्ट्रक्चर इफ आई हैव टू कन्वर्ट, तो वेरी फर्स्ट व्हाट आई हैव टू डू, इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग द फ्रंट कार्बन आई हैव टू रोटेट अगेन द बैक साइड कार्बन. सो कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप आ गया है, CH2OH, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है OH, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है हाइड्रोजन. ऑन रोटेशन क्या हो जाएगा, आपका CHO डाउन फेसिंग हो जाएगा, दैट इज CHO, H जो है वो एंगल से कंप्लीटली अपोजिट यहाँ आ जाएगा, और OH कहाँ चला जाएगा, ओवर हियर. सो इसी को आप लेफ्ट ऑन लेफ्ट ड्रॉ कीजिए. सो ओवर हियर आई थिंक आई शुड मेक इट Cl. सो ये एक Cl ग्रुप है एज अ क्लोरीन, और ये भी हमारा Cl ग्रुप है. सो इन दैट वे यू कैन जस्ट प्रोड्यूस दैट रोटेशन एंड यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर. सो इन दैट वे वी कैन डू द कन्वर्जन. कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर फिर से देखिए ब्रोमीन हमने अप ड्रॉ किया है और ये COH हमने डाउन ड्रॉ किया है. सो विच कार्बन वी हैव टू रोटेट, डेफिनेटली वी हैव टू रोटेट द बैक साइड कार्बन. सो बैक साइड को रोटेट करते ये ब्रोमीन कहाँ चला जाएगा, नीचे. हाइड्रोजन 180 से यहाँ चला जाएगा एंड CH3 by 180 विल कम एट दिस प्लेस. ओके, सो जस्ट अ सेकंड, लेट मी इरेज. सो ये यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, इट विल कम एट द पोजिशन जस्ट अपोजिट टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन. उसी को हम ड्रॉ कर सकते हैं इन अ वे एज यहाँ पर दिस विल लुक लाइक एज अ CH3 विल कम ओवर हियर. सो यहाँ पे देखिए आप, CH3 यहाँ आ गया है, हाइड्रोजन इज कमिंग ओवर हियर आफ्टर रोटेशन, और ब्रोमीन नीचे आ गया है. नाउ सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट ऑल दिस ग्रुप्स ऑन दिस वर्टिकल लाइन. तो यहाँ पे आप ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए. COH जो है हमने यहाँ पर दिखाया है, CH3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, हाइड्रोजन ऑन राइट हैंड साइड. अगेन ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ पर आ जाएगा ऑन टॉप साइड, CH3 अगेन ऑन राइट हैंड साइड एंड H ऑन
लेफ्ट हैंड साइड। बट ये जो फिशर फॉर्मेट है दैट इज नॉट द वेल एक्सेप्टेड फॉर्मेट एज अ फिशर। क्या होता है, फिशर में हमेशा मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन को आपको टॉप में दिखाना है। सो वॉट यू कैन डू, आप ये पूरे मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट कर दीजिए सो दैट उसका कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज स्टीरियो सेंटर विल नॉट चेंज। तो ये COH कंप्लीटली कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ये जो रोटेशन है इससे COH को हमने पूरा ऐसे रोटेट किया है। सो ये जो हाइड्रोजन अभी यू कैन से ऑन राइट में था, यहाँ पर लेफ्ट में हो जाएगा, CH3 इस तरफ चला जाएगा। अगेन ये जो ब्रोमीन है ये डाउन में यहाँ पर आ गया है, ब्रोमीन का CH3 यहाँ पर राइट में था, यहाँ पर लेफ्ट में हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर यू कैन से लेफ्ट में राइट में चला जाएगा। ये रोटेशन से स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होता है। इफ यू वॉन्ट टू चेक इट यू कैन से प्रायोरिटी असाइन कीजिए, दिस विल बी यू कैन से ब्रोमीन ग्रुप प्रायोरिटी 1, यहाँ पर प्रायोरिटी 2 ये ग्रुप को जाएगा बिकॉज हियर देर आर 2 कार्बन, प्रायोरिटी 3 इसको आएगा, प्रायोरिटी 4 इसको चला जाएगा। सो ऑन रोटेशन हम चेक करते हैं कि हमको कैसे मूव करना है 1, 2, 3। सो ये 1, 2, 3 रोटेशन इंडिकेट करता है कि ये कार्बन का जो कॉन्फिगरेशन है दैट कॉन्फिगरेशन इज कमिंग एज अ काउंटर क्लॉकवाइज एस, बट ये रहेगा आर बिकॉज हाइड्रोजन इज ऑन अ यू कैन से हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ऐसा ही सेंटर अभी यहाँ पर चेक कीजिए वेदर इट रिमेन्स सेम और नॉट। तो ये हमारा ब्रोमीन है, नंबर 1 आएगा, ये हमारा नंबर 2 है, यहाँ पर हमारा नंबर 3 है, ये हमारा नंबर 4 है। सो हम कैसे मूव करेंगे, वी विल बी मूविंग एज अ अगेन 1, 2, 3। सो 1, 2, 3 वी आर मूविंग इन काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन विच इज एस, बट सेंटर विल रिमेन आर। सो ये परमिटेड रोटेशन है, किसी भी मॉलिक्यूल को आप कंप्लीट 180 से रोटेट करते हो इन अ फिशर फॉर्मेट। सो उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दीज यू कैन से काइरल सेंटर कॉन्फिगरेशन सेम रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिया गया है सो व्हाट यू विल डू, पहले आपको ये फिशर फॉर्मेट को इस तरीके से ड्रॉ करना है इन द इक्लिप्स, देन ये इक्लिप्स को आपको कन्वर्ट करना है बाय 180 रोटेशन। ये आपका बैक, कोई भी कार्बन आप रोटेट कर सकते हो, एज आई सेड यहाँ पर हमने बैक साइड को रोटेट किया है। और COH कहाँ आ जाएगा, यहाँ ऊपर, हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पर और OH आ जाएगा यहाँ पर। सो दिस यू कैन टेक एज अ टेक होम एग्जाम्पल एंड सॉल्व इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ अ गिवन स्ट्रक्चर इफ इट इज इन अ फिशर फॉर्मेट इंटू अ सॉहॉर्स और इफ इट इज इन अ सॉहॉर्स इंटू अ फिशर। सो दिस आर द यू कैन से अ केस स्टडी। If you get a question, identify the relationship between these two molecule. आपको एक molecule एक बार ऐसा draw करके दिया है और एक बार ऐसा draw करके दिया है और पूछा है कि what is the relation between these two? तो वो relation find करने के लिए आपको पहले देखना है कि whether ये molecule के जो stereo center है उनका configuration same है या different है. So वो configuration हम check कर सकते हैं by using our rules of sequencing. सबसे पहले हमको RS configuration of both this center करना है। So let us do that RS configuration. Number 1 हमारा ये group हो जाएगा, number 2 अगर आप देखते हो तो ये CHO होगा, number 3 हो जाएगा ये वाला group और number 4 रहेगा ये वाला hydrogen. So यहाँ पे आपका rotation कैसा आएगा, 1, 2, 3, 4। So ये rotation क्या indicate करता है, we are rotating as a you can say counterclockwise. काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है, S, बट ये स्ट्रक्चर S नहीं रहेगा, ये सेंटर ये हो जाएगा R. सो हमने पहले ये सेंटर को कर दिया, नाउ लेट अस लुक एट द अदर सेंटर। यहाँ पे नंबर 1 विल बी दिस, नंबर 2 ये रहेगा, नंबर 3 ये हो जाएगा और नंबर 4 ये होगा। रोटेशन हो जाएगा 1, 2, 3। ये रोटेशन फिर से क्या हो रहा है, वी कैन से दिस रोटेशन इज गोइंग अपोजिट टू द क्लॉक, सो इट इज कमिंग एज अ S. हाइड्रोजन इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन सो इट विल बिकम R. अभी हमको चेक करना है कि ये सेकंड स्ट्रक्चर में भी वैसा ही रिलेशन है या नहीं। बट फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेकंड स्ट्रक्चर इनटू अ फिशर फॉर्मेट। सो इसको फिशर करने के लिए हमने रूल्स देखे थे, लेट अस फॉलो दोज रूल्स। रूल्स के हिसाब से हमको सबसे पहले क्या करना होगा, वी हैव टू रोटेट एंड ब्रिंग बोथ द ग्रुप्स ऑन द डाउन हैंड साइड, डाउन साइड। सो सी एच थ्री को अगर मैं डाउन में करता हूँ तो सी एच थ्री विल कम हियर, OH का पोजिशन क्या हो जाएगा यहाँ पर और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा यहाँ पर। सो ये वाला मेरा फ्रंट कार्बन है, दिस इज माय फ्रंट कार्बन। CH3 कहाँ पर दिखाना है हमको, डाउन साइड में।
हाइड्रोजन हमारा राइट साइड में, OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। ये वाले ग्रुप्स ऐसे इंडिकेट कीजिए, दिस इज अवर CHO, ये वाला जो है दिस इज अवर हाइड्रोजन एंड दिस इज अवर OH। नाउ इफ यू सी, अगर ये दोनों के बीच में आप मिरर रखते हो तो आपको क्या रिलेशन मिलता है? ये CHO लेफ्ट में था, यहाँ राइट में हो गया है। यहाँ पे जो OH था ये टॉप में है और हाइड्रोजन चेंज हो गया, मतलब इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये चेंज हो गया है फ्रॉम R टू दी S। एक तो डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो और यू कैन असाइन दी नंबर एंड चेक इट आउट। नाउ फॉर दिस अनादर सेंटर, सो दिस वी विल फाइंड इट आउट। सो यहाँ पे नंबर वन क्या रहेगा, वी कैन से दिस विल बी अवर वन, दिस विल बी टू, दिस विल बी यू कैन से थ्री, दिस विल बी फोर। सो रोटेशन विल गो एज अ 1 2 3। सो दिस रोटेशन इंडिकेट दैट आई एम रोटेटिंग इन अ यू कैन से आर डायरेक्शन क्लॉक वाइज, बट हाइड्रोजन इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन सो इट विल कम एज अ एस। सो ये स्ट्रक्चर में दोनों भी स्टीरियो सेंटर क्या है, वी कैन से आर आर, और ये स्ट्रक्चर में दोनों भी स्टीरियो सेंटर क्या है, एस एस। सो वॉट इज अ रिलेशन वेन बोथ आर 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 एंड बोथ आर एस एस, वी कैन से दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ इच अदर। So it is a relation as a you can say enantiomer. So these two structures which are given to you are enantiomer of each other. So this is how you can apply this concept of conversion of a Fischer formula into Sohors or Sohors into a Fischer. If you are enjoying my videos, then please don't forget to share it with your friends, to like and subscribe my channel. Thank you for watching Pharma.